हाय फ्रेंड्स, स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बुक के बारे में। आप ही लोग में से एक कमेंट आया हुआ था, रवि जी करके हैं, रवि शर्मा, इनका कमेंट था कि सर टाइप ऑफ स्टिचिंग पे बात कीजिए। तो इस पे जो कि देखिए, हम लोग पहले भी है जो कि वीडियो बनाए हैं फर्मा का, उसमें जो कि हम आपको बता चुके हैं कि टाइप ऑफ स्टिचिंग यानी कि कितने तरह का जो कि बुक बनता है। बुक है जो कि आपको सेंटर स्टिच बनता है, एक साइड स्टिच बनता है। स्टिचिंग का मतलब वही हो गया, सेंटर स्टिच और साइड स्टिच। मेरे हिसाब से जितना समझ पा रहे हैं, ये स्टिचिंग का मतलब यही पूछ रहे होंगे कि सेंटर स्टिच और साइड स्टिच दो तरह का बुक बनता है। एक होता है सेंटर स्टिच, एक होता है साइड स्टिच। सेंटर स्टिच बुक जो होता है वो आप यानी कि 96 पेज यानी कि 100 पेज से नीचे का जितना भी बुक अगर आपके पास होता है, तो अगर आपका नॉर्मल बुक हो या मैगजीन हो, इस तरीका का जो भी हो, तो बुक में जो कि आप सेंटर स्टिच जा सकते हैं। उसके लिए जो कि सेंटर स्टिच इस तरीका का होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास 96 पेज का, 56 पेज का, ठीक है ना, 84 पेज का, 82 पेज का, इस तरीका का जो भी अगर किताब रहता है, तो वो है जो कि आप सेंटर स्टिच जा सकते हैं। सेंटर स्टिच का मतलब कि ये हो गया कि आपका यहाँ पे पिन लगता है, यानी कि ये इस तरीका से मोड़ाएगा और एक दूसरे के अंदर है जो कि फर्मा मोड़ा करके चल जाता है और यहाँ से पिन लग जाता है, तो ये है जो कि सेंटर स्टिच हो गया। दूसरा होता है साइड स्टिच। साइड स्टिच का मतलब कि कोई भी जैसे कि इस तरीका का होता है साइड स्टिच, ठीक है ना। साइड स्टिच का मतलब कि उसको एक तरह से हम ब्लू बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। अगर कोई पार्टी अगर आपको कहता है कि ब्लू बाइंडिंग हमको बुक बन रहा, साइड स्टिच उसको नहीं पता, सेंटर स्टिच उसको नहीं पता, वो सीधे जानता है कि नहीं हमको इस तरीका के बुक चाहिए, तो इस तरीका के बुक अगर आपको दिखाता है तो ये साइड स्टिच में आता। साइड स्टिच का मतलब इसको ब्लू बाइंडिंग भी बोला जाता है, ठीक है। और ये अगर सेंटर स्टिच बोलता है तो सेंटर स्टिच भी बोला जाता है, और इसको सेंटर पिन भी बोला जाता है। अगर पिन वाला भी बोल रहा है कि अगर कोई पार्टी बोल रहा है आपको नहीं हमको बुक है जो कि पिन वाला चाहिए, ठीक है ना, तो पिन वाला का मतलब कि ये जाता है यानी कि सेंटर में जो पिन डलाता है, इसको हम लोग सेंटर स्टिच भी कहते हैं और पिन वाला भी कहते हैं, ठीक है। और इस तरीका का रहता है उसके साइड स्टिच हो गया, और ये है जो कि आपको ब्लू बाइंडिंग भी बोला जाता है। तो ये दो तरीका का बुक होता है जनरली क्या मतलब, दो तरीका का ही बुक होता है, सेंटर और साइड, और तीसरा कहीं से बुक नहीं बनता। हाँ, बशर्ते अब इसमें आ जाता है कि कितना पेज, 100 पेज के नीचे का रहा तो वो सेंटर चल गया, और 100 पेज से जितना ऊपर का आया तो वो है जो कि साइड स्टिच में जाता है, ब्लू बाइंडिंग में जाता है। बशर्ते एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, कभी कदाल ऐसा भी होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 56 पेज का एक बुक है, ठीक है, 40 पेज का बुक है, तो बुक का क्वालिटी, बुक का क्वांटिटी, बुक का पेपर, उस पर भी निर्भर करता। हो सकता है कि कभी कदाल ऐसा भी होता है 50 पेज का, 48 पेज का भी बुक है, वो है जो कि ब्लू बाइंडिंग होता है। ब्लू बाइंडिंग का मतलब कि ये हो गया, 5 minutes later. अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो ये स्टैंडर्ड क्वालिटी होता है। स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब हो गया, अगर कभी कदाल ऐसा भी होता है कि 8 पेपर में हो बढ़िया, जैसे कि 120 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम का बोर्ड होता है, बोर्ड पर भी अगर बुक कोई छपता है, प्रोस्पेक्टर कोई छपता है स्टैंडर्ड क्वालिटी का, है ना, उस सिचुएशन में जो कि ब्लू बाइंडिंग लोग कराते हैं, तो ब्लू बाइंडिंग पे जा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम बोल दिए हैं कि 100 पेज का नीचे करा था जो सेंटर होता है, 100 पेज के ऊपर का जाता है तो साइड होता है। ये मेरा कहने का मतलब है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, मतलब जनरली जो लिमिट है वो हम आपको बता दिए कि 100 से नीचे यानी कि जो नॉर्मल पेपर होता है इस तरीका का, ठीक है ना, तो वो अगर जाता है तो वो जनरली 100 से नीचे का रहेगा, तो वो आपका चल गया क्या बोलता है सेंटर स्टिच। और जैसे 100 से ऊपर जाता है इस तरीका का नॉर्मल पेपर में, तो वो है जो कि आपको मान लीजिए कि साइड स्टिच में, ठीक है। बस हटते अब इसमें अपना अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि हर किसी का जो कि पर्सनल डिजाइन है, पर्सनल जॉब है, तो वो है जो कि हो सकता है कि उनको मोटा पेपर हो, उनका स्पेशल मतलब, क्योंकि उस हिसाब से कॉस्ट भी जाता है, तो उसी हिसाब से जो कि अगर ये ब्लू बाइंडिंग है तो ब्लू बाइंडिंग का कॉस्ट अलग जाता है, सेंटर स्टिच है सेंटर स्टिच का कॉस्ट अलग जाता है पिन का, तो उस हिसाब से जो कि कॉस्ट पर भी निर्भर करता है। तो हो सकता है कि किसी का जॉब बढ़िया हो, बोर्ड पर हो, तो उस सिचुएशन में जो कि वो जा सकता है, आपको यहाँ पे ब्लू बाइंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई ब्रह्मा का लकीर नहीं कि नहीं इतना पेज के नीचे नहीं जा सकता, नहीं ऐसा नहीं है। जॉब पर भी निर्भर करता है, पेपर पर भी निर्भर करता है। ये इसमें काफ़ी चीज़ें जो कि ध्यान देने वाली चीज़ें, काफ़ी चीज़ें जो कि समझने वाली चीज़ें। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि स्टिच कितने तरीके के होता है, एक सेंटर होता है, एक साइड स्टिच होता है, ठीक है, दो तरह का स्टिच होता है। बस हर तो उसके बाद है जो कि आपके निर्भर हो करता है कि आपका जॉब क्या है, आपके डिजाइन क्या है, उस हिसाब से जो कि आप उसको बढ़ाते हुए जा सकते हैं, उस हिसाब से जो कि आप अपने हिसाब से जो कि उसको साइड सेंटर बना सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है, आपके पार्टी पर निर्भर करता है। ओके, उसके अलावा जो कि साइड स्टिच का किस तरीके से फॉर्म बनाता है, सेंटर स्टिच का किस तरीके से फॉर्म बनाता है, ये सब पर जो कि ऑलरेडी पहले वीडियो बन चुका है, आप ऊपर नीचे जा करके देख सकते हैं, नहीं
होगा तो हम ऊपर आई बटन में दे देंगे, वहाँ पर से जो कि जा करके आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से जो कि सेंटर स्टिच साइड स्टिच ये सब कर सकते हैं। उसके अलावा जो कि मेरे चैनल पर जो कि पोस्ट्रिप करके एक प्ले लिस्ट होगा, उसमें जाकर के अगर आप देखिएगा तो उसमें जो कि आपको बुक से रिलेटिव जितना भी अरेंजिंग फर्मा ये सब का जो रिलेटिव जितना भी आपको प्रॉब्लम होगा वो सब से रिलेटिव आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। ओके तो चलिए मिलते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो लाइकिएगा, कुछ ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।